नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। जब से माकन राजस्थान के दौरे से गए हैं, तब से कांग्रेस गलियारे में एक ही चर्चा है कि क्या आलाकमान के दूत राजस्थान कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों को डराने के लिए आए थे। क्योंकि जिस प्रकार से अजय माकन, जो एक अटकलों का कारवा छोड़कर राजस्थान से दिल्ली गए हैं, उन अटकलों पर अब तरह तरह के विचार और तरह तरह के विश्लेषण किए जा रहे हैं, और उनमें से प्रमुख ये है कि आखिर अजय माकन के इस मंथन से निकलने क्या वाला है, अजय माकन के इस मंथन के क्या परिणाम राजस्थान में सामने आएंगे। और सबसे ज्यादा खौफ तो मंत्रियों के अंदर है कि उन्होंने अजय माकन के सामने क्या ऐसा बोल दिया कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो, या अजय माकन ने उनकी बात को किस रूप में ले लिया होगा। यानी मंत्री और विधायक बिल्कुल पशुपेश की स्थिति में इन दिनों है। ज्यादातर मंत्रियों को जो बेचैनी है वो लगातार अब बढ़ने लगी है, क्योंकि जिस प्रकार से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो अटकलें चल रही हैं पिछले 8-10 दिनों से, वो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि जो पायलट बनाम गहलोत के बीच में जो एक पेच फंसा हुआ है, वो बड़े ही बुरे तरीके से फंस गया है। खैर, इन सब के बीच एक जानकारी ये है कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने आलाकमान से मिलने का वक्त मांगा है, और ये वक्त इसलिए मांगा गया है क्योंकि राजस्थान के मंत्री और मंत्रियों का जो रिपोर्ट कार्ड है, जो अजय माकन के मंथन 2 दिवसीय मंथन का जो निचोड़ निकला है, वो निचोड़ अजय माकन आलाकमान को सौंपेंगे, और उसी आधार पर एक रिपोर्ट तो केसी वेणुगोपाल ने सौंप दी, अब दूसरी रिपोर्ट अजय माकन सौंपेंगे, और इस रिपोर्ट के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा कि राजस्थान में जो सुलह का फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जो सुलह का फॉर्मूला आलाकमान की ओर से निकाला जाएगा, क्या उस पर पायलट और गहलोत की सहमति बन पाएगी या फिर नहीं बन पाएगी। क्योंकि कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत पायलट कैंप को कुछ ज्यादा देने के मूड में नहीं है, लेकिन वही पायलट कैंप से खबर यह है कि पायलट कैंप ने जितना सोच रखा है, जितना उनका वाजिब हक है, उतना उनको मिलना चाहिए। यदि उससे कम हुआ तो बात नहीं बनेगी। शायद इसी पेच के कारण अभी तक राजनीतिक नियुक्तियां अटकी पड़ी हैं, क्योंकि अजय माकन एक नहीं बल्कि कई मर्तबा राजस्थान में आकर, प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में आकर कह के गए कि फलाना सूची तैयार हो गई है, ढिकाना सूची परसों नरसों या फला तारीख तक जारी कर दी जाएगी, लेकिन कई महीने बीत गए और वो सूचियां अभी कहां अटकी पड़ी है किसी को नहीं मालूम। यानी माकन क्या कह के जाते हैं और क्या होने वाला है, इस पे धरती और आसमान का फर्क है, क्योंकि अंतिम फैसला आलाकमान को लेना होता है। लेकिन इन्हीं सबके बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि पायलट कैंप के 2 ऐसे नाम, सबसे पहले तो रमेश मीणा और दूसरे विश्वेंद्र सिंह। विश्वेंद्र सिंह किस कैंप में है ये किसी को नहीं पता, पायलट कैंप में है या गहलोत कैंप में है, लेकिन सिविल लाइन पर अपनी पारखी निगाहें रखने वाले लोग बता रहे हैं कि विश्वेंद्र सिंह के तालुकात इन दिनों गहलोत कैंप में है। तो आपको बता दें, रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह से जुड़ी खबर ये है कि इन दोनों को मंत्री बनाया जाएगा, इनके नाम भी लगभग फाइनल हो गए हैं। रमेश मीणा तो पायलट कैंप से मंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विश्वेंद्र सिंह किस कैंप से मंत्री बनेंगे, इस पर असमंजस बरकरार है। खैर, अब देखने वाली बातें यह है कि दिल्ली दरबार क्या फैसला लेता है। वहीं आज एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता से मेरी बातचीत हो रही थी, इस दरमियान उन्होंने एक बात कही जो कहीं ना कहीं गौर करने वाली थी। उन्होंने कहा कि यदि आने वाले सप्ताह भर के भीतर यदि कोई हैपनिंग हो जाती है, यानी राजनीतिक नियुक्ति और राजनीतिक नियुक्ति के अलावा यदि मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी यदि कोई खबर आ जाती है, तो आप मान के चलिए कि जो अगस्त का महीना है, इसमें तमाम चीज़ें या तमाम जो लंबे अरसे से जो ये झगड़ा चला आ रहा है, इसका समाधान हो जाएगा।
लेकिन यदि इस अगस्त महीने में भी इस तरह चीजें चलती रही तो ये मान के चलिए कि ये फिर जो लड़ाई है अपना अलग रूप धारण कर लेगी। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि सोनिया गांधी के विदेश दौरे से पहले इन सब बातों का समाधान हो जाता है या फिर अटकलों और असमंजस का जो बाजार है इसी प्रकार से गर्म रहता है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।